मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग सब अपने घर में रहिए, अननेसेसरी चीजों के लिए घर से बाहर नहीं जाइए, क्योंकि सब कुछ बंद है और आपका घर में रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हमने हमेशा एक कंप्लेंट की है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब वो टाइम है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तरह से सारा टाइम रुक चुका है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि हम हमारे टाइम को बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज कर सकें। अरे यार, अभी सिर्फ 8 बजे? सिर्फ 9 बजे? 1 घंटा हुआ इतनी देर में? अरे घड़ी को क्या हो गया? So guys, अगर आपका भी टाइम पास नहीं हो रहा और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं 5 things to do today। नंबर 1, वॉच वेब सीरीज। आज हमारे पास एंटरटेनमेंट के कई साधन हैं, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, प्राइम वीडियो है। तो गाइस, आज आपके पास वो सारा टाइम है जिसमें आपने वेब सीरीज कभी जो स्टार्ट ही नहीं की, वेब सीरीज जो आधी इनकम्प्लीट पड़ी है, वो हर चीज आज आपको देखना है और आपको अपना आज का दिन यूटिलाइज करना है। नंबर 2, क्लीन अप योर मोबाइल। आपको अपने मोबाइल को बाहरी तौर से भी क्लीन करना है, बट उसे इंटरनली भी क्लीन करना है, क्योंकि हम सबके पास एक स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, आज आपको वो काम करना है कि अपने मोबाइल में जितनी भी एक्स्ट्रा फोटोज हैं, जितना भी एक्स्ट्रा फाइल्स बनी हुई, उन सबको क्लीन करें और अपनी मेमोरी को कम कर दीजिए, बिकॉज जनरल डेज में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हमारे मोबाइल को चेक करके उसमें से जितनी जो फालतू फोटो हैं उन्हें डिलीट कर सके। तो गाइस, टुडे इज द डे टू क्लीन योर मोबाइल। नंबर 3, डू योर लॉन्ड्री। वो दिन है जब आपको अपना वार्डरोब चेक करना है, उसे प्रॉपरली सेट करना है और साथ ही साथ में जितने भी गंदे कपड़े हैं आपके पास उनको क्लीन करना है। वॉशिंग मशीन में डाल दो, हाथों से धो, जो भी करना है करो, और प्लीज आयरन भी करना, और धोबी के पास बिल्कुल नहीं लेके जाना, क्योंकि वो बेचारा भी आज उसकी दुकान पर है। तो आज आपको अपने क्लोथ्स की क्लीनिंग करनी है। नंबर 4, गेट मोर स्लीप। यू नो गाइस, लाइफ में हमेशा हम एक कंप्लेंट करते हैं कि यार मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। तो गाइस, दिस इज द टाइम टू स्लीप। आप अपनी जो नींद वाली जो आपकी कंप्लेंट जो आप हमेशा करते हो उसको पूरी कर सकते हो। मॉर्निंग में आपको कोई अलार्म सेट नहीं करना, आराम से उठिए, दोपहर में सो सकते हो एंड एंजॉय। नंबर 5, फेस टाइम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये जो टाइम है ना, प्लीज स्पेंड दिस टाइम विद योर फैमिली, और आप अपनी बॉन्डिंग को और भी मजबूत कर सकते हैं। जिन फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से आपने काफी टाइम से बात नहीं की, तो गाइस दिस इज द टाइम, आप उन्हें फेस टाइम करके उनसे बात कीजिए, अपने जो भी दिल की चीजें हैं, अच्छी बुरी जो भी है, वो उनको कहिए, ताकि आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो और भी स्ट्रांग हो सके। और हाँ, उनसे मिलने अभी नहीं जाना है, जब सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए उसके बाद आप लोगों को उनसे मिलने भी जाना है। बट मैं भी आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। कल मैंने मेरे मदर के पाँव की मालिश की, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने पता नहीं कितने टाइम से कभी नहीं की। तो गाइस, प्लीज आप अपने पेरेंट्स का इस तरह, मतलब आपको जो भी अच्छा लगे, आपका सबका एक अपना वे है उनको प्यार करने का। मैंने मेरी मदर की मालिश की, और जब तक मैं घर पे हूं ना, मैं हर शाम को मेरे मदर के पाँव की मालिश करूंगा। उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, बाय गॉड, मतलब दिल ही खुश हो गया। तो गाइस, प्लीज डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। तो गाइस, ये थी वो 5 things जिनको आप अपने आज के दिन में यूटिलाइज कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज अपने घर पे रहिए, घर पे आप लोग ज्यादा सेफ हैं। अगर आपको किसी भी इमरजेंसी चीज के लिए जाना पड़ता है, सपोज आपको कोई मेडिकल इश्यू है, या कोई दवाई लेने जाना है, या आपको कहीं सब्जी लेने जाना है, तो ऑलवेज वियर योर मास्क, और हर आधे घंटे बाद आपको अपने हैंड्स सैनिटाइजर से क्लीन करने हैं। Like this. शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना ही करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।